everyone, welcome to my channel Pharmacy International. So in my previous video I explained you about CAPS examination and there was a question about coaching and everything. So I explained about coaching from where you can get coaching and every stuff. If you haven't seen that video, you can see the description. There is one video for the same. But today I'm going to ask some basic questions to Dr. Akram, who is basically in Australia. So obviously if he is in Australia, he can give you true guidance. So, आज मैं डॉक्टर अकरम से कुछ पूछना चाह रही हूँ रिलेटेड टू कैप्स एग्जामिनेशन. बट अगर किसी ने कैप्स एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया है, सो आफ्टर कैप्स हाउ दे कैन गो टू दे कैन गो टू और दे कैन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया. सो डॉक्टर अकरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच नताशा फॉर मी हैविंग मी हियर अगेन. या सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपसे कैप्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैप्स के बारे में. सो आई थॉट यू आर द राइट पर्सन, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं प्लस यू आर प्रोवाइडिंग कोचिंग एज वेल, सो दैट्स द राइट थिंग. तो कोचिंग का मैं बेसिकली थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन लोगों ने अभी कोचिंग स्टार्ट की है एंड ऑलमोस्ट वन और टू बैच आर ऑलरेडी डन एंड दे आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर कैप्स एग्जामिनेशन. And I have asked some questions to him in previous video. You can check that video as well. But today I'm going to ask you some questions regarding the visa. So my basic question is, after clearing CAPS examination, so how the people can migrate to Australia? कैसे वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया सॉरी कैसे वो कनाडा में है, इंडिया में है, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में है, लेकिन वो कैसे ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हैं इस एग्जाम के बाद? तो बेसिकली जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो पहला स्टेप है स्किल असेसमेंट, फिर नंबर टू है कैप्स एग्जाम. ये दोनों स्टेप आप अपने घर पे बैठकर घर पर रहकर ही आप कंप्लीट कर सकते हैं. yes, तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की थी, मगर आज हम है कि यार ये उसके बाद नेक्स्ट क्या है. तो है ना, तो आपने स्किल असेसमेंट और कैप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है, आपको एक आईएलटीएस टेस्ट देना है या पीटी या टॉफेल या ओईटी, इन चारों में से कोई भी एक टेस्ट आप पास कर सकते हैं. और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जनरल नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए एकेडमिक आपको देना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है एज ए फार्मासिस्ट विद ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल. ठीक है, तो अगर आप पीटी देते हो या आप ऑयल देते हो तो आपको जो एकेडमिक देना है. ठीक है, ओके ओके. सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एकेडमिक आईएलटीएस और एकेडमिक पीटी, राइट? हाँ, तो मतलब 7 चाहिए इसमें जो है मिनिमम इंडिविजुअल में, और जो है या 65 जो है पीटी में या सिमिलर जो है इसमें जो है ओईटी में, या आपने अगर टॉफल किया कोई भी एक टेस्ट दे सकते हो आप. और उसके बाद जो है फिर आप जो है रेडी हैं ऑस्ट्रेलियन पीआर वीजा अप्लाई के लिए. तो दिस इज नॉट ए, जैसे तो बहुत सारे वीजा हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आने के लिए अगर आपने ये एग्जाम पास, क्योंकि ये एग्जाम बेसिकली एलिजिबिलिटी है आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए. विदाउट एग्जाम पास किए हुए आप लोग जो है वीजा को फाइल नहीं कर सकते हैं ना. तो ये अच्छा तरीका है विदाउट स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन स्टूडेंट वीजा और एनी अदर वीजा. अगर किसी ने एग्जाम क्लियर किया है तो वो इस जो भी आप वीजा मुझे बताएंगे, people can go through that visa by clearing that exam. Okay. Yes. तो basically दो वीजा बहुत ही जो है पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे में सबको बताता हूँ आपको. ये तो है 190. तो ये basically 190. Yes, इसको बोलते हैं सब क्लास 190. ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा होता है. तो जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जैसे यहाँ पे 7 स्टेट हैं, तो स्टेट आपको स्पॉन्सर करता है, बोलता है कि आप हमारे स्टेट में आओ, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो एज ए फार्मासिस्ट. तो वो आपको 5 पॉइंट देते हैं और ये वीजा 5 साल का मिलता है. ठीक है, जैसे आपका अगर 70 पॉइंट थे और आपने एप्लीकेशन किया तो 5 पॉइंट आपको स्टेट देगा, तो आपकी जो एप्लीकेशन की जो असेसमेंट होगी वो 75 पॉइंट्स पे होगी. और यू नो, और ये 5 साल को आपको वीजा मिलेगा. कंडीशन ये होती है कि आपको उसी स्टेट में ही रहना है, वहीं आपको रहना है. ठीक है, वहीं आपको जॉब. ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील. अगर आपको वीजा मिल रहा है और आप एज अ फार्मेसी इंटर्न वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो और साइमल्टेनियसली फर्दर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो, तो बाय द टाइम वो 5 साल पूरे होंगे तो हम फार्मासिस्ट भी बन जाएंगे. एक्चुअली एक दूसरा वीजा ये है कि अगर आपके अच्छे पॉइंट, अगर आपके हाई पॉइंट्स होते तो आपको 190 आपको अप्लाई करना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा. मगर आपके अगर थोड़ा सा लो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 65 या 70 पॉइंट है, तो फिर एक वीजा और है, इसको बोलते हैं 491, सब क्लास 491, 491 नंबर है ये. तो ये भी है स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा, पर इसमें कंडीशन ये होती है कि आप रीजनल एरिया में ही रहोगे, आप उनके ना जो मेन शहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 शहर को छोड़कर सारा पूरा रीजनल में काउंट होता है, जिसके सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को छोड़कर आप कहीं भी रह सकते हो.
ठीक है, ओके तो ओके, तो अगर हम ये वाला वीजा अप्लाई करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर रीजन में रहना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। ओके यस, ओके तो इसमें ये अच्छी बात ये है कि अगर आप इसमें आपको 15 पॉइंट देता है स्टेट, जैसे अगर आपके 70 पॉइंट से तो 15 पॉइंट गिवन बाय द स्टेट, तो अब आपके 85 पॉइंट हो जाएंगे, और 85 पॉइंट पे आपकी जो है असेसमेंट होगी आपकी जो है वीजा की है ना। ओके, फर्दर फर्दर के लिए, जो भी और फर्दर ये आगे भी जो है जाना। 5 साल का वीजा होता है, और इसमें किसी भी जॉब स्पॉन्सरशिप की नॉर्मली जरूरत नहीं होती है, पर हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें जो है जॉब ऑफर लेटर चाहिए तभी हमको वीजा अप्लाई कर सकते, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना। अब कुछ ओके और वीजा ओके, सो भी, ये और दो कुछ वीजा के थ्रू ये लोग जा सकते हैं, डिपेंड ऑन दी पॉइंट। किसी के कम पॉइंट बन रहे हैं तो वो रीजन के अकॉर्डिंग 491 वाला लगा सकता है, अदरवाइज जो आपने भी दूसरा बताया मुझे। हाँ वन ओके नाइन वन जीरो मगर यहाँ वीजा नाइन और भी है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक होता है 482, तो वो क्या होता है 494, ये सब क्या है ये, और ये 407, तो ये है कि आपको कोई कंपनी में आपको जॉब लग गई है वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करे। तो ये कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि हमें मैंडेटरी चाहिए जो है जॉब ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर चाहिए आपको अगर आप वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं। आप वर्क वीजा नहीं, ओके आप ओके डायरेक्टली आप पीआर वीजा अप्लाई कर सकते हो ओके, तो इस। बेसिकली अगर किसी के पास कोई जॉब लेटर नहीं भी है और ये उसने एग्जाम क्लियर कर दिया, तो दैट्स अ गुड वे कि आप कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, और एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री से आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो कंट्री पे डिपेंड नहीं है। डजेंट मैटर आप कनाडा से लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिर आप इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कहीं से भी लगा रहे हैं, राइट? मतलब यस किसी कंट्री का कोई मैटर नहीं करता इसमें, नहीं नहीं राइट? नहीं ओके दैट्स अ गुड थिंग, कोई कहीं से भी लगा सकता है, बस उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अब कुछ लोगों को और कोई कंफ्यूजन रहता है इसके, ये जो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स काय पे मिलते हैं, क्या चीज होती है पॉइंट पे मेक एंड ब्रेक थ्रू करती है पीआर वीजा के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे कि आपकी एज हो गई, तो अगर आपकी जितनी यंग एज है आप, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन के। फॉर तो एग्जाम्पल जल्दी सबको जल्दी से स्कूल, लोगों को अपना कोर्स पूरा करके फटाफट से कोर्स के हाँ बाद आज जैसे किस। कोई बंदा अगर 40 ईयर का है फॉर एग्जाम्पल, और उसको पॉइंट्स कम हो जाएंगे है ना, तो और ओके इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर आपकी इंग्लिश का स्कोर अगर आपका 8 है तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, और आपका 7 है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। सो मींस अगर आप वो इंग्लिश अच्छी कर ले और यंग एज में ही अप्लाई कर दे, तो इट्स इजी टू गेट दैट पर्टिकुलर वीजास, हाँ बिकॉज मैं यू विल गेट आराम मोर पॉइंट्स। अराउंड अगर आपकी एज 37 38 तक भी है और आपका अच्छा इंग्लिश स्कोर है, तो आपको डेफिनेटली चांस है ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन करने का। ओके दैट्स गुड। सो बेसिकली आई हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट कैप्स एंड दे आर आस्किंग व्हाट टू डू आफ्टर कैप्स, सो दैट इज अ गुड वीडियो एक्चुअली, बिकॉज यू विल हेल्प मी टू नो दैट यस यू कैन अप्लाई दिस वीजा इफ यू हैव दिस पॉइंट, यू कैन अप्लाई दिस वीजा इफ यू हैव दिस पॉइंट। सो आई कैन से दैट द एग्जाम इज क्वाइट गुड टू ओपन अ वे टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, राइट? यस, तो बेसिकली मुझे आज की वीडियो में यही जानना था। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी जनता है जो देखती है जिनको कैप्स के बारे में बहुत कुछ जानना है, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन थी, बट आई वॉज थिंकिंग कि किसी ऐसे इंसान से इन्फॉर्मेशन ली जाए जो प्रॉपरली उस पर्टिकुलर फील्ड में है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज यू आर इन ऑस्ट्रेलिया नाउ एंड यू हैव गोन थ्रू ऑल दोज प्रोसेसेस, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। हम तो So, पता any other नहीं, thing you want to share? हम बहुत टाइम से ये बेसिकली कोचिंग करा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमको ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे यहाँ से, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, वो यहाँ पे आना चाहते हैं ना, तो हम बेसिकली Yes. पूरा प्रोसेस करवाते हैं, पूरा गाइडेंस भी देते हैं आपको क्या करना है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, और कोविड के बाद से तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी, और आप माइग्रेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है, 2023 में आप प्लान करें आपको आने के लिए। और अभी हमारा जो है 2023 में जो मार्च का एग्जाम होगा उसकी हम कोचिंग का स्टार्ट कर रहे हैं अभी सितंबर से, तो आप उसमें एडमिशन ले ओके सकते ओके हैं यार। ओके, सो अगर आप स्किल असेसमेंट टेस्ट भी करवाएंगे बच्चों का, राइट? हाँ वो हम बच्चों को सारा काम कर देते हैं, उनकी पूरी हेल्प बेसिकली हम करते हैं बच्चों की। ठीक है ठीक है, वो अच्छा है, क्योंकि बच्चे को स्किल असेसमेंट के लिए कहीं और जाना पड़े और कैप्स के लिए कहीं और जाना पड़े, तो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, सो यू बेसिकली प्रोवाइड इवन ऑल इवन हम गाइडेंस। इंग्लिश इंग्लिश की क्लासेस भी हम यहाँ से कोचिंग करा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, पीटी की और आईएलटीएस की भी। तो ओके बेसिकली ओके पूरा वो
स्टूडेंट जो है इसकल असेसमेंट, कैप्स एग्जाम, इंग्लिश भी, वो सारा हमें करा देंगे। और लास्ट में जो वीजा होता है, बेसिकली बच्चा खुद से फाइल कर सकता है या किसी जो है माइग्रेशन लॉयर के साथ में, वो भी हम ऑस्ट्रेलिया से उसको अरेंज करा देंगे लॉयर जो है, तो वो अपना सारा काम उसको ओके खुद ओके, खुद सो कर सकता है। बेसिकली समबडी वांट्स टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, सो डॉक्टर अकरम एंड हिज एकेडमी इज द राइट प्लेस स्पेसिफिकली फॉर द फार्मासिस्ट, बिकॉज यू विल प्रोवाइड एवरी गाइडेंस सिंस बिगिनिंग, लाइक सिंस स्किल असेसमेंट टिल यू विल अप्लाई योर वीजा, एंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ वीजा ऑब्वियसली एनी एजेंट और समथिंग समबडी इज रिक्वायर्ड, सो यू विल हेल्प अस टू फाइंड दोज लॉयर्स एज वेल, राइट? That's all what I want to know about this particular CAPS examination. Hope I'll make more and more videos as well. So thank you very much, Dr. Akram, and thank you all to me, to my YouTube family, everyone who is watching this video. If you have any doubt, you can ask me in comment section box, or you can directly reach to Dr. Akram as well. I will share one link for his academy in the description box, so that will be easy for you to directly link to that person as well. And if you are going to Dr. Akram's academy, you can just put my name or something like that, so he will come to know that yes, you are coming via Pharmacy International or via Natasha. So that's all about this particular video. Hope you like this video, and if you have any doubts, you can ask me anytime, or you can even ask Dr. Akram as well. So thank you, Dr. Akram, for your time. Thank you. Bye. Bye bye.